ये कहानी है आत्मविश्वास की। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। एक बार की बात है, एक गांव में दो छोटे बच्चे रहते थे और दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, एक की उम्र 6 साल की थी और दूसरे की 7 साल की। दोनों साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, साथ लिखते थे, उस पूरा दिन साथ ही रहते थे। एक दिन जब दोनों खेल रहे थे तो खेलते खेलते उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब वो गांव से दूर एक फील्ड में आ गए। वहां पर एक कुआं था। दोनों खेलने में इतना मशगूल थे कि अचानक से एक बच्चा जो 7 साल का था वो उस कुएं में गिर गया। दूसरा बच्चा डर भी रहा था और परेशान भी था कि आखिर वो अपने दोस्त को कैसे बचाए। वहाँ पर कोई था भी नहीं और गांव से काफ़ी दूर आ जाने की वजह से उनकी आवाज़ किसी के पास जा भी नहीं पा रही थी और वो दूसरा 6 साल का बच्चा अपने दोस्त को छोड़कर जा भी नहीं सकता था। तभी वहाँ पर एक रस्सी मिली। उस बच्चे ने अपने दोस्त को वो रस्सी पकड़ाई और बोला कि तू जोर से पकड़, मैं खींच रहा हूँ। वो 6 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे को खींच नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि कैसे भी उनका दोस्त ऊपर आ जाए। काफ़ी देर लगी पर वो बच्चा अपने दोस्त को कुएं से निकालने में सफल हो गया और वो दोनों गांव में आ गए। गांव में आने के बाद जब ये बात गांव वालों को पता चली तो किसी ने भरोसा नहीं किया सिवाय एक बाबा ने, कि जो बड़े ज्ञानी और होनहार थे। जब सबको ये बात पता चली कि वो बाबा उन बच्चों की बात का भरोसा कर रहे हैं, तो सबको लगा कि कोई बात तो है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वो मान रहे हैं तो कुछ बात होगी और इसीलिए सभी लोग इस बाबा से पूछने पहुँचे कि आप क्यों भरोसा कर रहे हैं। बाबा की बात सुनने के लिए सारे लोग बेताब थे। वो बाबा ने जो कहा वो सुनकर आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। वो बाबा ने कहा कि ये बच्चे इसीलिए ऐसा कर पाए क्योंकि वहाँ पर इनसे ये कोई कहने वाला नहीं था कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, और इसीलिए उन्होंने इस काम को आसानी से कर लिया। मित्रों, हमें भी अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं।